आज्ञा लग गई है, चार पांच अर्जियां स्वीकार हो गई हैं, जिनको हम बुला रहे हैं उनको आना। सीताराम, पहला आदेश। प्रीति नाम की माताजी का अर्जी स्वीकार हुआ है। ये प्रीति नाम की माताजी, हाँ बहन जी, हाँ हाँ हाँ, आ जाइए, टोपी लिए हुए होंगी, नाम प्रीति होगा, आ जाइएगा। नंबर दो, दूसरा आदेश, सामान सब वहीं रखकर आना है, चमड़ा, बेल्ट, पर्स, कुछ भी सपास नहीं आएगा। दूसरा आदेश, साधु जी, पुरुषों में से एलईडी ये जो सामने लगी, इसके पीछे में अंकित सिंह नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। ये जो एलईडी लगी है, ये टावर जैसा लगा है लाइट वाला, इसके पीछे में अंकित नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। आजा बेटा जल्दी से। तीसरी अर्जी, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, ये जो बड़ी एलईडी है, एकदम कोने में लोग बैठे हुए हैं, उसके पीछे में संजय, संजय नाम का एक बालक विराजमान है, कोने में आ जाए, अर्जी स्वीकार है। हाँ हाँ, एक मिनट, हम बुलाते जाएंगे, हम पहले हम पूरी अर्जियां कह दें, नहीं तो हमारा क्या है, कनेक्शन कट जाएगा। साधु जी, ओ साधु जी, सामने एक बालक हाथ की पेंटिंग किए हुए फोटो लिए बैठा है, आ जाइए। हाँ जल्दी आइए, ये टी शर्ट वाले बच्चे को आने देना है, जो नीली सी टी शर्ट पहने आ रहा है, और ये जो सफेद शर्ट में ये हाथ में फोटो लिए हैं, तुम आ जाइए। आओ, यू कम हियर माय डियर। भैया जा देखियो, जो आगे को लोगो बम सब टू टू बोल रहा हूं, घड़ी बोल रही, बंद हो गई। चलिए पहला आदेश आने दीजिए, यहां यहां बैठाना है। हाँ आइए बहन जी, इधर आइए, बस बस बस, आप यहां बैठिए। आपकी टोपी, टोपी थी आपके पास? हाँ तो ठीक है, बस बस, हो गया पहचान भर के, ताकि कोई और ना हो। आपने यहाँ नाम बताया था क्या किसी को? माइक से बोलो, ऐसे मत बोलो। किसी को नहीं बताया। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। कहाँ रहती हैं आप? कल्याण में ही रहते हैं। झूठ तो नहीं बोल रही हो आप? किसी सेवादार को? नहीं, किसी को नहीं बताया। रोते नहीं बहन, नजदीक आई। किसी ने आपसे अर्जी तो नहीं पूछी? हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया, आप प्रश्न करिए, क्या विषय? गुरुजी, मेरे पति का मर्डर हुआ था 2015 में, भिंड गांव में। हम, मेरे दो बच्चे, ये 2.5 साल का था, 3.5, आज मैं अपनी मम्मी और भाभियों के साथ रहती हूँ, मेरी बड़ी भाभी भी आई है यहाँ यहीं पर आई। यहाँ पे तो आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ मेरा परिवार अच्छे से रहे, मेरे दो भाई है और ये दोनों मेरे बच्चे, वो दोनों ही पाल रहे हैं। ठीक है, बड़े भैया। अच्छा, उसका तो रहस्य खुल चुका है, लेकिन नाम क्या है उनका, पति का? पति का विजय भदौरिया। नजदीक आई, यहाँ सब कोई विषय किसी ने पूछा? नहीं। पढ़िए, घर सुरक्षित रहे, उत्पात ना हो, दुश्मनों के कारण कलेश मचा है, वह परेशान है, आपका नाम प्रीति है, पति का मर्डर का रहस्य जानने आई हुई हैं, विजय के बारे में, विजय का मर्डर का रहस्य खुल चुका है, वह उनको जो है दंड मिल चुका है, बच्चों पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आशीर्वाद। बच्चों की आप चिंता ना करें, एक मिनट हम लिख लें। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, परिवार का भी उसमें हाथ था,
एक का, और बाकी वो शत्रु थे, उनको दंड मिल चुका है, वहां लौटकर नहीं जाना है, और आपने भी यही नियम कर लिया है, निर्णय यही लिया, माइक ले लो आप, आपने भी यही निर्णय लिया, माँ के पैर व शरीर में दर्द बना हुआ है, माँ आपकी बीमार है, घुटनों में दिक्कत है, बच्चा चिड़चिड़ापन करता है, वह बीच बीच में पढ़ाई की तरफ गंभीर नहीं रहता है, उसकी भी अर्जी है, उस पर भी कृपा होगी, और यहाँ शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, अब आपको भयभीत नहीं होना है, बहुत गंभीरता से जरूर रहना है, और आज से बालाजी पूर्ण कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। मैं अभी बालाजी गई थी, अभी एक ही महीना हुआ है। ये हमने मंत्र लिखा, ये विषय किसी को बताया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, पूछा कोई मन में आपके संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, सीताराम मेरे बच्चों पर पूर्ण कृपा हो, खुश रहो, पढ़ो बढ़ो, लो बहन इसमें हमने एक मंत्र लिखा बहन, उसकी तीन माला करनी, आपको धाम आना है, हम वहां कवच दे देंगे, और भगवान करे आपका पूरा परिवार ठीक रहे। बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की जय। अरे रोते नहीं प्यारो, प्यारो मोरो प्यारो बेटा, उठ बैठ, खुश रहो, बस बस इधर। कौन त्रिपाठी? रुद्रा त्रिपाठी, हाँ हाँ वो है ना, उनके पास ही रहते हैं क्या? अच्छा अच्छा वे हैं, वे आते हैं, इनकी मदद करते रहना, जाओ खुश रहो बहन, बहन बहन खुश रहो, चलो अगला नंबर।